आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से हनुमान जी राम जी द्वारा दी गई मुद्रिका सीता जी को देते हैं एक चिन्ह के रूप में, और सीता माता को विश्वास हो जाता है कि ये राम जी का भेजा हुआ ही दूत है। आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है हनुमान का सीता को धैर्य बंधाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं मैं अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उन्हें ध्यान पूर्वक देखने लगी। उसे देखकर जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पति देव ही उन्हें मिलने आए हों। उनका लाल सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वे हनुमान के साहसपूर्ण कार्य की सराहना करते हुए बोली, हे वानर श्रेष्ठ, तुम वास्तव में अत्यंत चतुर साहसी तथा पराक्रमी हो। जो कार्य सहस्त्रों मेधावी व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते, उसे तुमने अकेले ही कर दिखाया है। तुमने दोनों रघुवंशी भ्राताओं का कुशल समाचार सुनाकर मुझे मृत प्राय और नवजीवन प्रदान किया है। हे पवनसुत, मैं समझती हूँ कि अभी मेरे दुखों का अंत होने में समय लगेगा, अन्यथा ऐसा क्या कारण है कि विजय यानी कि विश्व विजय का सामर्थ रखने वाले वे दोनों भ्राता अभी तक रावण को मारने में सफल नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूर रहने के कारण राघवेंद्र का मेरे प्रति प्रेम कम हो गया हो? अच्छा, ये तो बताओ, क्या कभी अयोध्या से तीनों माताओं और मेरे दोनों देवरों का कुशल समाचार उन्हें प्राप्त होता है? क्या तेजस्वी भरत रावण का नाश करके मुझे छुड़ाने के लिए अयोध्या से सेना भेजेंगे? क्या मैं कभी अपनी आंखों से दुरात्मा रावण को राघव के वाणों से मरता हुआ देख सकूंगी? ये वीर अयोध्या से वन के लिए चलते समय रामचंद्र जी ने जी के मुख पर जो अटल आत्मविश्वास तथा धैर्य था, क्या अब भी वे वैसे ही हैं? सीता के इन प्रश्नों को सुनकर हनुमान बोले, हे देवी, जब रघुनाथ जी को आपकी दशा की सूचना मुझसे प्राप्त होगी, तब वे बिना समय नष्ट किए वानरों और रक्षकों की विशाल सेना को लेकर लंकापति रावण का आक्रमण करने में उनकी इस स्वर्णपुरी को धूल में मिला देंगे और आपको इस बंधन से मुक्त कराकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। आर्य आजकल वे आपके ध्यान में इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें अपने तन बदन की भी सुध नहीं रहती, खाना पीना तक भूल जाते हैं। उनके मुंह से दिन रात हाय सीते शब्द ही सुनाई देते हैं। आपके वियोग में वे रात को भी नहीं सो पाते। यदि कभी नींद आ भी जाए तो हाय सीते कहकर नींद में चौंक कर उठ जाते हैं और इधर उधर आपकी खोज करने लगते हैं। उनकी ये दशा हम लोगों से देखी नहीं जाती। हम उन्हें धैर्य बंधाने का प्रयास करते हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिलती। उनकी पीड़ा बढ़ती ही जाती है। अपने प्राणनाथ की दशा का ये करुणा वरण सुनकर जानकी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह चली। वे बोली, हनुमान, तुमने जो ये कहा है कि वे मेरे अंतरिक्त किसी अन्य का ध्यान नहीं रखते हैं, इससे तो मेरे स्त्री हृदय को अपार शांति प्राप्त हुई है, किंतु मेरे वियोग में तुमने उनकी जिस करुणा दशा का चित्रण किया है, वह मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगती है और उनसे मेरे हृदय को प्राणांत पीड़ा होती है। वानर देव के विराद यानी कि विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है, यह सब विधाता का ही विधान है, जिसे हम दोनों को एक दूसरे के विरह में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। ना जाने वह दिन कब आएगा जब वे रावण का वध करके मुझ दुखिया को दर्शन देंगे। उनके वियोग में तड़पते हुए मुझे 10 मास बीत चुके हैं। यदि 2 मास के अंदर उन्होंने मेरा उद्धार नहीं किया तो दुष्ट रावण मुझे मृत्यु के घाट उतार देगा।
वे बड़ा कामी तथा अत्याचारी है। वे वासना में इतना अंधा हो रहा है कि वह किसी की अच्छी सलाह मानने को तैयार नहीं होता। उसी के भाई विभीषण की पुत्री कला मुझे बता रही थी कि उसके पिता विभीषण ने रावण को अनेक बारंबार अनुग्रह किया कि वह मुझे वापस मेरे पति के पास पहुंचा दे, परंतु उसने उनकी एक न मानी। वह अब भी अपने हठ पर अड़ा हुआ है। मुझे अब केवल राघव के पराक्रम पर ही विश्वास है, जिन्होंने अकेले ही खरदूषण को उनके 14 सहस्त्र युद्धकुशल सेनानियों सहित मार डाला था। देखें, अब वह घड़ी कब आती है जिसकी मैं व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह कहते हुए सीता अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सीता को विलाप युक्त वचन को सुनकर हनुमान ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, देवी आप दुखी ना हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पहुँचते ही प्रभु वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करके दुष्ट रावण का वध कर आपको मुक्त कराएंगे। मुझे तो ये लंकापति कोई असाधारण बलवान दिखाई नहीं देता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी इस समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका के परकोटे को फांदकर विशाल सागर को लांघता हुआ श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दूं। मैं चाहूं तो इस संपूर्ण लंकापुरी को रावण तथा राक्षसों सहित उठाकर राघव के चरणों में ले जाकर पटक दूं। इसमें से किसी भी राक्षस में इतना सामर्थ नहीं है कि वह मेरे मार्ग में बाधा बन खड़ा हो सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी हनुमान का सीता जी को धैर्य बंधाना पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।